Hola. सेंटर मीरा जी इधर इधर मैडम मोबाइल आ रहा है आपको। ओ मैडम इधर मीरा जी इधर मीरा जी लेफ्ट में इधर लेफ्ट लेफ्ट ले ना थोड़ा आगे ना इकड़े इकड़े बहुत मीरा जी इधर इधर भी एक फ्रैंकिस इधर भी एक फ्रैंकिस है धन्यवाद हम यार ये जब गौर कैसा लगा सफ़ेद आप अभी अभी देख रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील की हुई फिल्म को देख कर आ रही हूँ। संदीप सिंह के बारे में क्या बोलूँ जीनियस उनका दिमाग जैसे चलता है शायद ही किसी इंसान का चलता हो बट फॉर हिम टू हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल फिल्म लेंथ में छोटी लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल एंड विजुअल्स आर जस्ट स्टनिंग द वे ही हैज़ डेल्ट विद द सब्जेक्ट इज सो सेंसिटिव एंड सो ब्यूटिफुल इन फैक्ट मैं अभी दो दिन में फिर से देखने वाली हूँ आई कॉन्ट वेट जस्ट सिनेमैटिक इट्स लाइक ब्रिलियंस ऑन स्क्रीन आई लव्ड इट एंड आई कॉन्ट वेट टू वॉच इट अगेन विद द रेस्ट ऑफ माई फैमिली मैं एक्चुअली ज़्यादा उतावली थी बिकॉज देयर हैड टोल्ड मी कि नो यू हैव टू वॉच इट विद मी बट आई हैड प्रॉमिस्ड दैट आई एम गोना कम टुडे सो आई हैव टू आई लाइक केप्ट ज़ियान अलोन एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई रश्ड हियर बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी देयर फॉर हिज फर्स्ट स्क्रीनिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर एंड सफेद इज आउटस्टैंडिंग एंड आई एम श्योर बहुत लोगों में एक दिमाग पे एक सोच और एक इम्पैक्ट छोड़ जाएगी and I can't wait for the audiences to watch it. Gohan, as we know, आपने भी काफी सारे projects किए तो अभी new year आ रहा है कुछ ऐसे projects हैं जो हम देख सकें मैं उन projects के बारे में तब बात करूँगी जब वो आने वाले हैं but सफेद के बारे में आई हूँ तो सफेद के बारे में ही बोल के जाऊँगी everybody is going to love it, watch it as soon as it comes out. Thank you so much. Thank you. Oh, I'm seeing you now. Oh, superb, yeah. Super. I loved it so much. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. I'm watching it again. It's amazing. Please do. Amazing. Thank you. सफेद को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, सफेद पहन के भी आए, क्या कहना चाहोगे? संदीप ने बहुत ही दिल को छूने वाली फिल्म बनाई है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मैंने एक्चुअली ट्रेलर देखी नहीं थी, तो मुझे जब मैं अंदर जाके अभी मैंने पूरी फिल्म देखी तो इट इज़ वेरी इमोशनल और एक अलग ही दुनिया दिखाई है। आई फील his cinema is very different. It reminds me of course the great Bhansali, and I think that Sandeep is a director to look out for, and hopefully he gave us all of us a chance. Sir ne jis hisab se storytelling ki hai is safed mein kaisa kya message de rahe society mein, kyunki kaafi sensitive cheeze is cheez mein is story mein bataya gaya. सोसाइटी को क्या बता रहे हैं ये मुझे पता नहीं, पर मैं क्या लेकर जा रहा हूँ ये मैं आपको बता दूँ कि समटाइम्स अक्सर हमारे जो बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो वे ऑफ लिविंग है, इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन समथिंग इन द पास्ट। आई थिंक दिस संदीप की जो कहानी है हमें ये सिखाती है कि हम सबको एक्सेप्ट करें। इट डजंट मैटर हु यू आर, देयर इज़ नो डर्टी, देयर इज़ नो गुड, देयर इज़ नो बैड। अगर आप एक दूसरे को जानने लगेंगे देन आई फील दैट यू कैन ओपन अप योर हार्ट एंड यू कैन लेट लव इन, एंड आई गेस दिस मूवी इज ऑल अबाउट लव। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट्स जस्ट एक्सेप्ट एवरीबॉडी द वे दे आर, एंड दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ संदीप। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स वी कैन सी? यस देयर इज, बट टुडे इज सफेद डे, राइट? सो इट्स संदीप डे, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई लव हिम, एंड हमारे बारे में हम बात करेंगे। सर लेफ्ट में, आप दोनों का लीजिए सर। सर इस साइड मैं अपने जी अब बता रहे हैं कि साथ। अरे थैंक यू। मैं तो जब भी कोशिश करता हूँ, जब भी जयपुर आशा जी, आशा जी, आशा जी बात। अच्छा चलो चलो चलो, हो गया। हाँ, सर आप सफेद मूवी देख के आए, कैसा लगा मूवी आपको? अच्छा लगा, एक अच्छा अलग ही टॉपिक लेके मूवी किया संदीप ने। इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड इतना डीपली इससे पहले कोई नहीं किया जो इन्होंने
किया है. आई थिंक इसमें बहुत हिम्मत होना चाहिए. एंड मेरे को लगता है कि बहुत कुछ जो है हम लोगों को मालूम नहीं है. इस मूवी से कुछ कुछ चीज़ें मालूम पड़ता है कि कैसे क्या लाइफ है, एक साइड का लाइफ कैसा है, दूसरा साइड का लाइफ कैसा है. जो भी है, एक अच्छा मैसेज है कि समाज को इन लोगों के प्रति किस तरह से बिहेव करना चाहिए. ये जो अलग जेंडर की बात की जाए, इनके साथ किस तरह से और अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, कितना प्यार से पेश आना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इनके अंदर भी प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, उसको उजागर किया गया. इसके बहुत सारे चीज़ लेके ये लोग मर जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आई थिंक गुड एक अच्छा दिख दिखाया, अलग ही लगा. सर आपको क्या लगता है इस टाइप के टॉपिक के ऊपर बॉलीवुड में मूवीज बननी चाहिए जो सेंसिटिव चीज़? रोज नहीं बनना चाहिए, कभी कभी बनना चाहिए. डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग लगेगा तभी. अगर एक बॉलीवुड का एक चलन ये है कि एक बार कोई चीज़ हिट हो जाता है तो उसके जैसा 70 फिल्में और आ जाती हैं, तब वो अच्छा नहीं होता. ये कभी कभी एक बार आया, लोगों को शिक्षा मिले, दिखे एक समाज को. एंड आई थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव, तभी होता है ज़्यादा. आई थिंक बनना चाहिए, लेकिन नॉट टू मेनी. ओरिजिनल स्टोरी लेके बनना चाहिए. सर न्यू ईयर आ रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको आप? आप लोगों को शुभ नव वर्ष है. आप लोग न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए. नए साल बहुत बहुत मुबारक हो. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. How you like the movie Safed? काफी sensitive. Very sensitive subject. It's written unimaginable, but actually I'm speechless. I'm shocked. I haven't seen such a movie on a transgender and a widow. Unimaginable. I loved the direction of Sandeep and all the actors. Abhay, Meera, Jameel, all were brilliant and out of the box. Great. And even cinematography, outstanding. What message is giving this movie the audience? Yes, message is, it's very, I mean, लोग काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर. या मतलब मैं तो नहीं हूँ इनसेंसिटिव, बट लोगों का अप्रोच जो होता है वो काफ़ी बदलने की ज़रूरत है. एंड आई मीन ऑल आर ह्यूमन बींग, सब भगवान ने दिए हुए हम सब हैं, तो वो इक्वालिटी सब में होनी चाहिए. वो मुझे लगता है कि इस फिल्म से लगता है कि हाँ ऐसे देखना चाहिए, ऐसे ही लोगों को देखना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. यहाँ पे आ जाए वीडियो. सर 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 वेट नो वेट नो. सर लेफ्ट साइड. Fabulous. Very super sensitive and two very important subjects, widow and transgenders. Very sensitively portrayed. The actors are outstanding and very heavy film. How you feel? I can feel that you are emotional. Yes, that's why I said it's a very heavy film. It's touched me. So overall, what message is giving? I think more films like this should be made. You know, and it's a very nice way of showing that love transcends everything, sex, gender, everything. You know, love is important. That is. अरे बाबा हिंदी में बैठा लगा. सफ़ेद. हाँ, ये ऐसी फिल्म है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते. एंड संदीप इज़ वेरी ब्रेव इस तरह से इस फिल्म के बारे में बात करना और सोसाइटी के सामने ये सब्जेक्ट ला कर रखना. सो आई थिंक different form of cinema telling a different story is very important today. So kudos, you have to be brave when you tell stories, and this is a very brave story and portrayed very brilliantly by Abhay, the protagonist. Aur mujhe lag hi nahi raha tha ki unka pehla kaam hai. I think preparation itni solid thi unki
So beautifully played characters and the whole cast and crew. I think amazing. Great job. तो इस फिल्म में जिस तरह से इन लोगों ने किरदार को दिखाया है एक एक करके, हर मोमेंट को, हर एक इमोशंस को दिखाया है, उस तरह से एक बहुत ही प्यारा लाइन लिखा है, इंसान हूँ गाली रही, तो शायद आपने देखा होगा उस मूवी में, तो वो क्या नरेट कर रहा है, क्या कुछ बयान कर रहा है? नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं कब कब, अरे कब आना जिस तरह से इस मूवी में एक एक इमोशंस को दिखाया गया है उसी तरह से ये लाइन लिखा है इंसान हो गाली नहीं तो इसमें संदीप जी ने क्या कुछ दिखाने की कोशिश की है यही ना हम उनको समझ वो एक सेक्शन है सोसाइटी का जिसे हम समझ नहीं पाते हैं ना है ना उनकी ज़िंदगी में हम जाना ही नहीं चाहते तो वो उन्होंने उनकी ज़िंदगी दिखाई है उनका वर्ल्ड दिखाया है सो वहाँ से ये लाइन आती है और ये आई थिंक मैं भी उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ और मुझे इससे ही सीखना मिल रहा है तो आई थिंक ये लाइन भी वहीं से आ रही है और हमें समझने की हाँ ज़रूरत है एग्जैक्टली थैंक यू सर थैंक यू सो मच हाय सर हाय कैसे हैं आप कैसा लगा आपको सफ़ेद मूवी देखकर वेरी मूविंग इमोशन डिस्टर्बिंग दिस विडोज एंड न्यू नॉट्स इन आवर सोसाइटी Sandeep is a friend and I now get to see him as a director. Very well, it's wonderfully done and I wish the entire team, Meera and everyone, my very best wishes and congratulations for doing such a great job. जैसे कि हम जानते हैं ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में इस तरीके की जो मूवी है बननी चाहिए क्या एक तो हिंदी सिनेमा या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना तो बननी चाहिए ज़रूर बननी चाहिए जितना हम सोसाइटी में इन चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे उतना ही आसान होगा हमें एक दूसरे के साथ रहना समझना और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की ज़िंदगी गुजारने में हम उनका सहारा बन सकते हैं तो बननी चाहिए ऐसी फिल्म सर न्यू ईयर आ रहा है क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे मुझे सच में ये फिल्म के बारे में बात करनी है ऐसा मास्टरपीस बनाया है संदीप ने बहुत अमेजिंग फिल्म है वाव है फिल्म में सचमुच डेप्थ है सच में बहुत डेप्थ है फिल्म में हर एक फ्रेम इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ की है इंटेंसिटी है फिल्म में इतनी अमेजिंग तरीके से फिल्म का पेज इतना ब्यूटीफुल है इतना हुक रखता है आपको एट द सेम टाइम कलर्स और परफॉर्मेंस कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है इस फिल्म में आपको ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म और मैं सचमुच स्पीचलेस हूँ और आई थिंक ईच एंड एवरी वन शुड मस्ट वॉच द फिल्म मैं मतलब आउट ऑफ वर्ड्स हूँ सच में मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ और आई रियली लव द फिल्म सो मच मैं इसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा हूँ बहुत मज़ा आ गया थैंक यू संदीप फॉर मेकिंग दिस फिल्म फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग मास्टरपीस थैंक यू एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिसका जो मर्म है दुख है जो हम सिर्फ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके बारे में संदीप जी ने इसको बताया है और विजुअली बड़े खूबसूरत तरीके से लेकिन दुख है जो पेन है मैंने कभी सोचा भी नहीं है कभी महसूस भी नहीं किया ये साइड देखी भी नहीं है तो वो देखा और काफ़ी छू लेने वाला विषय है क्या लगता है आपको कि इस तरह की मूवी और बड़े ड्यूरेशन में बनना चाहिए बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर किसी भी बात करें तो इस तरह की मूवी वो कहानी के ऊपर फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है संदीप जी को लगा कि इसकी ड्यूरेशन इतनी होनी चाहिए उसने उन्होंने उस हिसाब से बनाया उसको और जितना भी है वो अच्छा है मज़ेदार चलिए सर न्यू ईयर आ रहा है क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को और अपने फैन को मैं यही कहना चाहूँगा कि ख्याल रखो अपना खुश रहो जिस तरीके से डंकी में आपका किरदार हमने देखा था छोटे भाई हैं डंकी में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और
मज़ा आया उसको देख के। तो आप हमें कब नज़र आएंगे बड़े पर्दे पर? बहुत जल्दी नज़र आऊँगा स्टंट्स करते हुए पता। थैंक यू सो मच। बताओ जो लेफ्ट 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 टर्न योर लेफ्ट। थैंक यू। सेंट्रलाइज हियर क्या पता मैं सबको जानता हूँ। All of you look here. गार्डन है क्या? क्या हमारा ऐसी गलती करते रहते हैं। I genuinely am at loss of words. I've known Abhay for quite a while and it was genuinely unexpected. I mean, I'm still fumbling and I still have goosebumps. And it was genuinely a very, very impactful film, something that is not really talked about. And that's what I loved about the subject, that the subject was so strong in itself that it was great. I guess the very beginning wherein we had the walking shot was very impactful for me. So I guess start hi aisa hua movie ka that I was just hooked. Till the end. So any upcoming projects of yours? There surely is something in the pipeline that will be coming next year, so I'll let you guys know. Thank you so much. Big boss dekh rahe ho? Mere bina ye photo it complete hai. थैंक यू। थैंक यू। Wait. Hi, friends.
अरे You are left. Yeah. What's the film now? Yeah, come. Starting. एक सेकंड. Look here. Solo ले लो बरखा का. Solo ले. Yeah. This camera. चलो we are waiting को बरखा to start. मीरा भाई come this side. Take solo and then. Mobile ले लो उसका. भगवान mobile के पीछे की पड़ा. Look here. इधर लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में जी लेफ्ट Bite, bite, bite.